सबसे पहले तो रिकमेंड करूंगा कि यार बॉडी बिल्डिंग मत करो प्लीज, और करना भी है तो पहले अपना गोल लेके चलो कि यार आप करने के जा रहे हो। बॉडी बिल्डिंग बहुत 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 हार्ड वर्क वाला गेम है, भेड़ चाल इसको हम बोलेंगे, भेड़ चाल एक कर रहा था कि मैंने अगर मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, अभी अभी कुछ दिन पहले का, आप एक उसमें क्या, मैंने एक बाइक लेके जा रहा था फ्लाईओवर से, ठीक है, वहाँ पर ट्रैफिक जाम था, तो एक एक गाड़ी वाले ने वहाँ से यू टर्न लिया, दूसरे वाले ने भी यू टर्न लिया, वो उनको पेशेंस नहीं है कि चलो थोड़ी देर जैम में लगे, लेकिन वो क्रॉस तो करेगा करेगा एक टाइम के बाद, तो वो वापस यू टर्न लिया, दूसरे ने यू टर्न लिया, तीसरे ने, तो वो जो जैम था वो और ज़्यादा बढ़ गया। सेम विद बॉडी बिल्डर्स, फिटनेस फ्रीक जो भी हैं वो भी सेम करते हैं, यार उसने अपनी बॉडी इस टाइप से ट्रांसफॉर्म कर दी, मैं भी इसके पीछे चलता हूँ बहुत ज़्यादा। कई मेरे को तो अपने पुराने एक्सपीरियंस में देखूं कि कई इतने सीनियर और पुराने एथलीट थे जिन्होंने अपना वेट लॉस करने के लिए इवन एक्सट्रीम चले गए वो, और कई की अभी रिसेंट हमारी देख लीजिए डेथ कितनी हुई है हमारे पास, और हमारे पास इंडियन बॉडी बिल्डिंग के अंदर भी ऐसे चेहरे हैं जिनका मैं नाम नहीं लेता कि जिस जो एक्सपायर हुए हैं, लेकिन उन्होंने एक्सट्रीम वेट लॉस करने के लिए अपना सोडियम पोटेशियम जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वाटर इम्बैलेंस, वाटर सब इम्बैलेंस करके और सीधे चले गए हैं आईसीयू। मैं बोलूँगा कि अगर आपको करियर बनाना तो बिल्कुल आप साइंटिफिक वे से चलिए। बॉडी बिल्डिंग स्पोर्ट्स गंदा नहीं है, वन ऑफ द टफेस्ट स्पोर्ट्स इन वर्ल्ड, आप पूरा वर्ल्ड में लगा लीजिए, नॉट इन इंडिया, पूरे वर्ल्ड में लगा लीजिए, ऐसा कोई इंडिविजुअल कोई गेम नहीं है जिसमें आप पहले तो मसल गेन, वाटर लॉस, फैट लॉस के साथ आप स्पोर्ट्स को खेलते हैं। हर एक इंडिविजुअल को अपनी बॉडी को खुद को एक डिज़ाइन करना पड़ेगा, एक प्लान बनाना पड़ेगा खुद को कि यार उसको करना क्या है। मैं ये बोलता हूँ देखो यार, आपका आपके पास में कौन क्या कर रहा है, आपके इधर कौन कर रहा है, आपके पीछे कौन कर रहा है, आपको उनसे कोई लेना देना नहीं है। आपको अपने ऊपर फोकस करिए, आपके लिए आप ही अपनी बॉडी के रिस्पॉन्सिबल हो। आपको क्या ये लगता है कि ये लेने से आप ये चीज़ अचीव कर लोगे? और बॉडी बिल्डिंग, यार बॉडी बिल्डिंग में एक्स वाई जेड सब कोई नहीं बताएगा आपको कि मैं ये लेता हूँ मैं नहीं लेता हूँ। अगर वो लेता भी है तो वो यार वो उसका है ना, आप उसको उसके ऊपर उसको देख के आप अपनी बॉडी में वो यूज़ कर रहे हो वो गलत है। लेकिन इसमें अगर आप लोगों ने अब्यूजिंग करी कि यार मेरे को रिजल्ट आ रहे हैं, वो 6 महीने के बाद भी आपको आएंगे, वो आपको 3 महीने के बाद भी आएंगे, लेकिन आप उसमें क्या करते हैं कि फास्ट और फास्ट और फास्ट मतलब बढ़ा देता हूं और अच्छे रिजल्ट आ जाएंगे। यार 6 महीने का जो काम है वो बोलते हैं कि नहीं यार 3 महीने में हो जाए, वैसा होता है, पेशेंस नहीं है। मैंने पहले ही बोला था आपको कि पेशेंस रखिए, पेशेंट मत बनिए।